कि आपका बॉडी कटा तो नहीं है, आंखों का टेस्ट लिया जाएगा, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं अगर आप स्मोकिंग करते। फिर उसके बाद बीपी चेक किया जाएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग मेरा ये थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की टॉपिक क्या होने वाली है और मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप विदेश आना चाह रहे हैं, अपना लाइफ बनाना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेस्ट से गुजरना होगा और वो टेस्ट का नाम है गमका मेडिकल टेस्ट। अगर आप गमका मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आप आसानी से विदेश आ सकते हैं या गल्फ के किसी कंट्री में जा सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आया हूं सऊदी अरब और मैंने अपना सऊदी के लिए मेडिकल कराया है। क्या क्या जांच हुआ है वो मैं हर एक चीज आप लोग को बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जाँच होती है और क्या क्या चेक किया जाता है। तो गैज, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ और मैं एक हॉर्स ड्राइवर में हूँ और मैं एक हॉर्स ड्राइवर का मेडिकल कराया था। गैज, मैंने इंडिया में दो मेडिकल कराया था, एक मेडिकल मेरा मुंबई सेंटर में हुआ था और एक मेडिकल मैंने दिल्ली में कराया हूँ और विदेश आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप गमका मेडिकल कराने के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादातर केस में जो आपका एजेंट होगा वो आपका गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेकर के आपको रिसिप्ट भेज देगा। मैंने मुंबई में कराया था, मैं एजेंट के चक्कर में पड़ गया था और उसने बोला था कि हाँ भाई, वीजा है आपका, हम एक महीने के अंदर काम करा देंगे। लेकिन उसने मेरा मेडिकल कराया, लेकिन 3 महीना हो गया, मुझसे पैसे भी ठग लिया, लेकिन मेरा काम उसने नहीं करा पाया। तो 3 महीने में क्या होता है, 90 दिन का जो उसका डेट होता है मेडिकल का, तो वो 90 दिन में वो मेडिकल मेरा एक्सपायर हो गया। फिर मैंने दिल्ली में वीज़ा लगाया, दिल्ली में मेरा किस तरह मेडिकल हुआ और मुंबई में मेरा किस तरह मेडिकल हुआ, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हर एक मेडिकल सेंटर का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन मिला जुला के सब एक ही जैसा होता है। तो दोस्तों, जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, आपका जो एजेंट होगा वो गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट का रिसिप्ट आपको भेज देगा, या तो अगर आप जानकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप खुद से भी गमका मेडिकल का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 750 से 800 इंडियन रुपीस लगता है। अगर आप एजेंट को देते हैं तो आपसे 1,500 चार्ज करेगा। जब आप गमका मेडिकल अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो उसका सबसे पहले आपको एक रिसिप्ट निकाल लेना है, उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट का 1 से 2 फोटोकॉपी करा लेनी है अच्छा सा। फिर उसके बाद आपको कम से कम 4 अपना फोटो लेके जाना है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये बात का आप ख्याल रखेंगे, और पासपोर्ट साइज में आपका फोटो होना चाहिए। जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आपका फाइल देखेगा, वो आपका रिसिप्ट देखेगा, आपसे पासपोर्ट का फोटो कॉपी ले लेगा, आपसे रिसिप्ट ले लेगा, फिर आपसे 2 या 3 फोटो ले लेगा, आपसे सिग्नेचर कराएगा कि हाँ यहाँ आप साइन करें, वहाँ साइन करें, 1-2 जगह साइन कराएगा, मुझसे कराया गया था। फिर उसके बाद आपको बोलेगा कि जाइए आप काउंटर पे, सबसे पहले पैसा जमा कर दीजिए। उसके बाद जब आप पैसा जमा कर देंगे, फिर आपको बोलेगा जाइए आप अपना टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट लिया जाए, फिर उसके बाद बीपी चेक किया जाएगा। बीपी एकदम नॉर्मल होना चाहिए, उसके लिए भी मेडिकल अनफिट हो जाता है। जब आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, बीपी टेस्ट हो जाएगा, फिर आपको बोलेंगे जाइए आप अपना एक्सरे का टेस्ट दीजिए। सबका एक रूम बना होता है, एक नंबर होता है, किसी किसी जगह पे ABC ऐसा करके नंबर होता है, किसी किसी जगह पे 2-3 करके ऐसा नंबर होता है, तो वो आप समझ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। जब आप एक्सरे वाले रूम में जाएंगे तो आपको जो है ऊपर का टी शर्ट उतार लेना है, शर्ट उतार लेना है, आपको एकदम रिलैक्स में अपना एक्सरे का टेस्ट देना है। और याद रखें, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो आपको मेडिकल कराने से कम 15 दिन पहले आपको प्रेजी करना होगा, आपको बिल्कुल भी उसे त्यागना होगा, उसे बंद करना होगा, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। जब आपका एक्सरे टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका आंखों का टेस्ट लिया जाएगा कि आपका आंख कैसा है, आपको सही से प्रॉपरली नज़र आता है या नहीं है, आपके आंखों का टेस्ट लिया जाएगा। तो बहुत सारे जगह पे
एलईडी लगी होती है और बहुत सारी जगह पे नंबर होता है, और आपको थोड़ा दूर दूरी पे खड़ा कर दिया जाएगा और आपको बोलेगा ये बताइए कि ये नंबर कितना है, ये बताइए ये कौन सा रंग है, और ये बताइए ये क्या है नहीं है। अगर आपका आँख कमज़ोर है तो आप चश्मा बनवा के जाएँ, चश्मा लगा के जाएँ, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। जब आपके आँखों का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद किसी किसी जगह पे यूरिन का टेस्ट पहले ले लेता है और किसी किसी जगह पे बाद में लेता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था हर मेडिकल का सिस्टम सेटअप अलग होता है। फिर उसके बाद आपको बोलेगा जाइए आप अपना यूरिन का टेस्ट दीजिए, ठीक है। फिर आपको एक जो है से बोतल दिया जाएगा, छोटा सा मुन्ना दिया जाएगा, उसमें आपको यूरिन पास करना है, आपको यूरिन का टेस्ट देना है। बस यही मेडिकल में टेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल रहता है कि क्या मेरा पूरा कपड़ा उतार के बॉडी चेक करता है या नहीं करता है। तो गैस जब मैं अपना मेडिकल मुंबई में कराया था तो वहाँ पे मेरा कोई भी बॉडी चेक नहीं किया गया था, कोई भी मेरा कपड़ा नहीं उतारा गया था। वो हर एक मेडिकल का सिस्टम अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अगर आप दिल्ली में मेडिकल कराते हैं तो आपका जो है पूरा बॉडी चेक किया जाएगा, आपका जो है से पैंट उतारा जाएगा और आपका हाइड्रोसिल भी चेक किया जाएगा, आपको चारों तरफ से वो चेक करेंगे। थोड़ा दूरी पे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पास में आके चेक करेंगे, हल्का सा दूरी पे रहते हैं। फिर आपका हर एक चीज़ चेक करेंगे कि आपका बॉडी कटा तो नहीं है, फटा तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है, वो सब चेक करते हैं। लेकिन ये अलग अलग मेडिकल सेंटर के ऊपर होता है, ये ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये चीज़ चेक करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ बस इसी तरह गमका मेडिकल होता है। चाहे आप कतर जाएं, चाहे आप बहरीन जाएं, चाहे आप ओमान जाएं, चाहे आप कुवैत जाएं या आप सऊदी आएं, तो मैंने अपना मेडिकल सऊदी के लिए कराया था और मैं एक हॉर्स ड्राइवर में आया हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट करें। अगर आपको हमसे बात करनी है तो अबोट में मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा हूँ, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज करें। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।